आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का खुलासा, प्रियंका को राजनीति में लाने का फैसला सालों पुराना। शिवराज सिंह फिर दहाड़े, योजनाएं बंद की तो सरकार चलाना मुश्किल कर दूंगा। राजनांदगांव पुलिस को बड़ी सफलता, 9 लाख के इनामी नक्सली दंपति गिरफ्तार। कांग्रेस विधायक के निवास पर प्रशासन, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। और भोपाल में पहली बार नया प्रयोग, ड्रोन पहुंचाएगा आपका सामान आपके दरवाजे। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में प्रियंका गांधी के शामिल होने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जवाब दिया है। भुवनेश्वर में एक कार्यक्रम में राहुल ने कहा कि प्रियंका को राजनीति में लाने का फैसला सालों पहले ले लिया गया था, लेकिन उनके बच्चे छोटे थे इसलिए उन्हें राजनीति में आने में थोड़ा वक्त लगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका वाड्रा के राजनीति में आने के बारे में खुलासा करते हुए कहा, यह कहना सही नहीं है कि फैसला 10 दिन पहले हुआ। मेरी बहन के राजनीति में आने का फैसला सालों पहले हो गया था, मगर बच्चे छोटे होने के कारण वह देर से कांग्रेस में शामिल हुई हैं, क्योंकि उनके बच्चे काफी छोटे थे। प्रियंका का कहना था कि वह बच्चों की देखभाल के लिए उनके साथ रहना चाहती हैं। अब उनका एक बच्चा यूनिवर्सिटी में है और दूसरी संतान भी जल्द ही यूनिवर्सिटी में जाने वाली है, लिहाजा अब उन्होंने सक्रिय राजनीति में आने का फैसला किया है। I think I read in the media that this is a decision that has been taken over the last 10 days. Actually this decision was taken some years back. I have been having a discussion with my sister about her joining politics and her pushback to me was that my children are very young and I need to spend time looking after them. And now her children have reached an age where one of them has gone to university and the other one is about to go to university. So this was a discussion that we've been having for a while now. राहुल गांधी ने बचपन की मुश्किलों का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि हम बड़े परिवार से थे और हमें चीजें आसानी से मिली, तो ऐसा नहीं है। हमारे पिता और दादी की हत्या हो गई थी, हमने काफी संघर्ष भी किया और एक जैसी परिस्थितियों में बड़े हुए, इस कारण बड़े मुद्दों पर हमारे फैसले और सोचने का तरीका एक सा ही होता है। अगर आप एक ही मुद्दे पर मुझसे और मेरी बहन से बात करेंगे तो हमारा विचार अक्सर एक जैसा होता है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा, यह सरकार लंगड़ी है। विधायक धमकी दे रहे हैं कि मंत्री नहीं बनाया तो सरकार गिरा देंगे। बैसाखी पर चलने वाली सरकार बनानी होती तो हम बना लेते। पहले हम ताकत से काम करते थे, अब लड़ाई से काम करेंगे। सरकार ने संबल योजना बंद की तो सरकार चलाना मुश्किल कर दूंगा। बीजेपी नेता पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा, लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो चुनाव हारा है और फिर आ गया, लेकिन हमें चुनाव परिणामों से फर्क नहीं पड़ता। शिवराज सिंह चौहान ने बल्लभ भवन के सामने स्थित भीमनगर में संवाद कार्यक्रम में कहा कि भाजपा सरकार में गरीबों के हित के लिए कई योजनाओं को जमीन पर उतारा गया था, लेकिन कांग्रेस सरकार की नीयत इन योजनाओं को लेकर खराब है। उन्होंने कहा कि संबल के कार्ड में मेरे फोटो छपे थे, इसी कारण लोगों से कार्ड वापस लिए जा रहे हैं। सरकार ने संबल बंद की तो सरकार चलाना मुश्किल कर दूंगा। सरकार कान खोल के सुन ले, ये योजना जारी रखनी पड़ेगी। योजना बंद करने की गलती की तो हमसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम ऐसी लड़ाई लड़ेंगे गरीब के हित में, हित में कि जमाना याद करेगा। और इसके लिए हर गरीब बस्तियों में एक अलग टीम तैयार की जाएगी, एक अलग फौज तैयार की जाएगी,
अगर 200 रुपया महीने से हम तो 100 रुपया महीने करें, ज्यादा बिजली का बिल आया तो कोई जमा नहीं करेगा और कोई ना बिजली चाहती तो हम बिजली जोड़ने जाएंगे, हम बिजली खत्मे नहीं देंगे गरीब की। संबल योजना को लेकर शिवराज ने कहा कि बल्लभ भवन के सामने बस्ती से जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई है। उन्होंने ऐलान किया कि पूरे प्रदेश में इस योजना को बचाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद हस्ताक्षर अभियान चलाकर सरकार के जनविरोधी निर्णयों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाएगा। चौहान ने कहा कि संबल योजना में 200 रुपये बिजली बिल का प्रावधान किया गया था। उधर कांग्रेस सरकार ने बिजली के बिल आधे करने की बात अपने वचन पत्र में कही है, मतलब 100 रुपये से 1 रुपये भी ज्यादा मत देना, यदि कोई बिजली तार काटे तो जोड़ लेना, लेकिन डरना मत। उन्होंने कहा कि जिस दिन से सरकार बदली है उस दिन से एक दिन भी चैन से नहीं बैठा, मैं भी लड़ाई का मास्टर हूँ, कांग्रेस तो 15 साल से ट्रेनिंग भी सही से नहीं ले पाई। राजनांदगांव पुलिस ने नक्सली दंपति को गिरफ्तार किया है। नक्सली दंपति पर 9 लाख रुपए का इनाम था। इन दोनों को मदनवाड़ा थाना हुरवे के जंगल से पकड़ा गया है। राजनांदगांव पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब 9 लाख के इनामी नक्सली दंपति को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए नक्सली भानपुरी LOS के DVCM पवन पर 8 लाख और उनकी पत्नी LOS सदस्य मनकी पर 1 लाख का इनाम था। पुलिस ने आज जो है जो बस्तर डिवीजन एरिया से जो एक्टिव जो नक्सल दंपति थे उन दोनों को भी गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ लगभग 50 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। शायद शासन के द्वारा उनमें एक्स ऑफिसियो जो इनाम होता है कुछ 10 लाख का वो इनाम उनके लिए घोषित है और ये लोग इस एरिया में जो है इलाज कराने के लिए आए थे क्योंकि उनका एक जहाँ उस तरफ दबाव पड़ा है तो उन्होंने जो नॉर्थ जो बस्तर है उसके डिवीजन को उसको सौंपा था। नॉर्थ बस्तर वालों ने ला करके इस एरिया में एक मुफीद जगह मान करके वहाँ पर जो है इलाज कराने के लिए उन्होंने छोड़ा था, लेकिन हमारे जो पुलिस के जो सूचना तंत्र है उसके आधार पर जानकारी मिली थी और उसको हमने अपने जो है कस्टडी में लेकर उसकी पूछताछ की जा रही है और क्योंकि इसके सभी मामले जो है बस्तर के जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो है दर्ज है और उन्हीं की घटना में शामिल रहा है तो इसको बस्तर पुलिस को सौंप दिया जाएगा। 8 लाख का इनामी पवन नक्सलियों का डिवीजन कमेटी मेंबर हुआ करता था। वर्तमान में वह पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी का सक्रिय सदस्य है जो 50 से अधिक नक्सली वारदातों में शामिल रह चुका है। कोडागांव, नारायणपुर और जगदलपुर पुलिस को 11 वर्षों से इसकी तलाश थी। नक्सलियों की मांग में जाकर पुलिस उन्हें चुनौती दे रही है। फिलहाल समय हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देना बैंक की ओर से सभी देशवासियों को 70वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दखल न्यूज के दर्शकों को और भोपाल निवासियों को 70वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दखल न्यूज के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत विष्णु सक्सेना का नमस्कार। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तमाम देशवासियों से कहना चाहूंगा कि इस गणतंत्र दिवस पर अपने दिल के अंदर देश की प्रगति के लिए, स्वच्छता के लिए, देश की उन्नति के लिए एक भाव जागृत करें और देश को ऊपर उठाने की जितनी तमाम कोशिशें हो सकती हों वो करें। देश के प्रति उनका ये सबसे बड़ा भाव होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। दखल न्यूज के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शौर्य का प्रतीक केसरिया, शांति का सफेद और समृद्धि का प्रतीक हरा रंग से बना हमारा तिरंगा इस गणतंत्र दिवस पर सभी देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वक्त है बदलाव का। नारा देने वाली कांग्रेस ने ऐसा बदलाव लाया है कि कमिश्नर से लेकर सारा प्रशासनिक अमला विधायक के निवास पर नजर आया। इसके बाद आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए। ये मामला छतरपुर का है। मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा है सत्ता बदलते ही सिस्टम नेताओं के दरवाजे पर पहुंच गया है। 15 साल सत्ता में रही बीजेपी के नेता कह रहे हैं अफसरशाही कांग्रेस नेताओं की चौखट से बन गई है।
मामला छतरपुर का है। सागर कमिश्नर मनोहर दुबे छतरपुर दौरे पर आए थे। अचानक शाम को वो छतरपुर से पहली बार कांग्रेस के विधायक बने आलोक चतुर्वेदी के खेल ग्राम निवास पर पहुंच गए। वह भी अकेले नहीं बल्कि कलेक्टर, सीईओ सहित राजस्व का पूरा अमला उनके साथ था। कमिश्नर और जिला प्रशासन के साथ विधायक के निवास पर मीटिंग कर वे आधे घंटे बाद वापस लौट गए। लेकिन इससे बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। बीजेपी आरोप लगा रही है तो कांग्रेस सफाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी में तो यह परंपरा नहीं थी और प्रशासनिक अधिकारियों का भी ये अपने उसमें रहना चाहिए। अगर बैठक उन्होंने की है प्रशासनिक अमला के साथ वहाँ गए हैं, यह गलत है। सर्किट हाउस के ऑफिस में बैठ करके किसी भी प्रकार की बैठक करें, लेकिन अगर घर में उनके संबंध है अगर उनसे व्यक्तिगत, वो उनके यहाँ जाकर उन संबंधों के आधार पर स्वयं अकेले जा सकते थे, उनसे बैठ कर सकते थे। लेकिन अगर प्रशासनिक अमले के साथ जाकर के उन्होंने वहाँ बैठक की है तो यह गलत है, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये वो जनप्रतिनिधि है, श्री आलोक चतुर्वेदी जी हमारे कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि है, छतरपुर से विधायक हैं और प्रशासनिक अधिकारी अगर उसे सौजन्य भेंट करने पहुंचते, किन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए भी अगर पहुंचते हैं या बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों हताशा नजर आ रही है। भाई, कांग्रेस 15 वर्षों के बाद सरकार में आई है, आपको बहुत सारी चीज़ें पहली बार ही नजर आएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासन में तो ये बहुत बिरली बातें हुआ करती थी। अब तो जनता की सरकार है, आप आए दिन देख रहे हैं कि हमारे विधायक जी कहीं ना कहीं का निरीक्षण कर रहे हैं, कहीं जिला शिक्षा विभाग का हो चाहे अस्पताल का हो, तो इन औचक निरीक्षणों से भी जनता को लाभ ही मिलेगा। बीजेपी पर आरोप है कांग्रेस नेता ऐसा कौन सा काम करवा रहे हैं कि एक विधायक के घर कमिश्नर रैंक का अधिकारी पूरे प्रशासन के साथ जाकर मीटिंग करता है। वहीं बीजेपी को इस मामले में साजिश की बू आ रही है, क्योंकि छतरपुर कांग्रेसी विधायक खनिज के कारोबार से जुड़े हैं। बेखौफ चोरों ने बैंक में धावा बोला और गैस कटर से तिजोरी काटकर कैश निकाल ले गए। चोरहटा के यूनियन बैंक में पांचवी बार चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बैंक में धावा बोलकर चोरों ने गैस कटर से तिजोरी काटी और उसमें रखा कैश लेकर फरार हो गए। घटना से पूरे इलाके में खलबली मच गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश में जुट गई। घटना चोरहटा स्थित यूनियन बैंक की है। बैंक के पीछे की खिड़की को काटकर चोर अंदर दाखिल हुए। चोरों ने बैंक के अंदर रखी तिजोरी को गैस कटर से काटा और उसके अंदर रखा कैश लेकर फरार हो गए। बैंक के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स भी सो रहे थे, लेकिन उसको चोरी की भनक भी नहीं लगी। सर, कैश का काउंटिंग अभी नहीं हो पाया है, अभी कॉइंस छोड़कर कुछ सॉइल नोट्स थे और कुछ सही नोट्स थे वो लेके गए हैं और अभी ठीक से काउंटिंग नहीं हो पाई है और एक घंटे में हम आपको बता पाएंगे कितना कैश। गुरुवार की सुबह पुलिस व डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचा। डॉग की मदद से पुलिस ने आरोपियों की तलाश करने का प्रयास किया। आशंका जताई जा रही है कि बदमाश बाईपास की तरफ से आए थे। आरंभिक जांच में बैंक से 1,00,000 रुपए नगद चोरी होने की बात सामने आई है। हालांकि बैंक अधिकारी जांच के बाद ही कैश की जानकारी देने की बात बोल रहे हैं। बैंक में यह पांचवी बार चोरी हुई है। 26 जनवरी से बैंक दूसरी बिल्डिंग में ट्रांसफर होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही बदमाशों ने वारदात को अंजाम दे दिया। सीसीटीवी कैमरे में एक बदमाश कैद हुआ है। खुली आंखों से ख्वाब देखा हो तो हकीकत बनने में देर नहीं लगती। अगर ठान लिया तो पूरी कायनात आपके सपने को सच करने में आपकी मदद करती है। भोपाल में कोलार के अंकित ने भी खुली आंखों से एक सपना देखा और उसे पूरा करने में सबने उसका साथ दिया। अंकित वो युवा हैं जो ये चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे और जो सुविधाएं विदेशों में हैं वो भारत में भी संभव हो। अंकित मध्य प्रदेश के पहले ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपने कस्टमर को ड्रोन से उनके घर तक सामान पहुंचाकर चौंका दिया। अंकित की जीन्स की फैक्ट्री है और वो अपने कस्टमर के पास उनके ऑर्डर के 1 घंटे के अंदर ही ड्रोन से जीन्स उनके घर तक पहुंचा देते हैं। आपने ऑनलाइन खाना मंगाया होगा, ऑनलाइन कपड़े भी मंगाए होंगे, जरूरत का कोई भी सामान ऑनलाइन जरूर मंगाया होगा और डिलीवरी करने हर बार डिलीवरी बॉय आपके घर आया होगा। मगर क्या कभी आपके घर किसी ड्रोन ने डिलीवरी की है? जरा सोचिए कि कितना रोमांचक होगा जब कोई ड्रोन आपकी छत पर मंडराए और आपकी मंगाई चीज आपके दरवाजे आपके हाथों में पहुंचाए। जी हाँ, यह सच है और यह कर दिखाया है भोपाल के अंकित यादव ने। अंकित ऐप के द्वारा ऑर्डर लेते हैं और फिर 1 घंटे के अंदर ड्रोन से आपके घर सामान पहुंचा देते हैं। अंकित यादव माय अर्थ नाम से जीन्स गारमेंट की फैक्ट्री संचालित करते हैं। इस फैक्ट्री में अंकित ने कई युवाओं को रोजगार दिया है।
साथ ही अंकित देश के लिए कुछ करना चाहते थे। अंकित की सोच थी कि वो देश में वो करें जो विदेशों में होता है। अंकित ये चाहते थे कि वो ऐसा कुछ करें जो लोगों को अच्छा तो लगे ही, साथ ही उनका समय बचे। कुछ अलग करके दिखाने के जज्बे से ही अंकित के दिमाग में ड्रोन से डिलीवरी का आइडिया आया। बस फिर क्या, अंकित ने ड्रोन से अपने कस्टमर को जीन्स डिलीवरी करके एक नया इतिहास रच दिया। मैं इस वक्त माय अर्थ रेडीमेड गारमेंट की फैक्ट्री पर हूं और यहां एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिला है कि वो ड्रोन से अपने कस्टमर्स के घर के दरवाजे तक डिलीवरी पहुंचाते हैं। इनको एक घंटे का टाइम लगता है, उस एक घंटे के समय के अंदर वो अपने कस्टमर को जो कस्टमर की डिमांड होती है वो सामान उसके घर पर मुहैया करा देते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, कॉम्पिटिशन मार्केट में बहुत ज़्यादा है। कोई बाइक से चला आ रहा है पिज़्ज़ा लेकर, तो कोई बड़ा सा थैला टांग कर आप कि ऑनलाइन सारा सामान आपके घर पर पहुंचाता है, लेकिन फिर भी उसमें वक्त लगता है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ अंकित यादव हैं। ड्रोन हमारे उसमें लाने का ये था कि जैसे मार्केट में नई नई चीज़ें आती हैं और चली जाती हैं, बट लोग आजकल हर चीज़ बहुत क्विक और फास्ट चीज़ों को चाहते हैं, इसलिए हमने इस चीज़ को लेके आए कि लोगों के लिए कुछ नया कॉन्सेप्ट हो, चीज़ें थोड़ी और फास्ट हो जाएं, थोड़ी और क्विक हो जाएं। तो हम उसको ड्रोन्स को इसके बीच में लेके आए कि हमने कहा अब हम ड्रोन से इन चीज़ों को डिलीवर करेंगे। हमारे जो गारमेंट्स हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी कस्टमर उसको ऑनलाइन जाके अप्लाई कर रहा है, हम ऑर्डर कर रहा है हमारी वेबसाइट myearthindia.com पे, या फिर हमारे MyEarth Enterprises के उस पर आप क्लिक कीजिए, हमारी टीम आपको रिंग करेगी, आपको सारी चीज़ें सेंड करेगी, आप उसमें से चूज़ करिए और आप ऑर्डर कर सकते हैं। पेमेंट्स जो होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, आपको कोई उसमें COD या कैश उसमें नहीं करना है। आप क्योंकि चीज़ों को हम विद इन आर आपके पास तक डिलीवर कर पा रहे हैं, इसलिए हमने ड्रोन को इसमें लेके आए कि चीज़ों को और फास्ट बना सके। वो कस्टमर का रिस्पांस देखने ही सबसे अच्छी चीज़ है। मतलब हमारे ड्रोन में कैमरा लगा हुआ है, जब वो रिसीव कर रहा होता है अपना प्रोडक्ट और जो उसके फेस पे एक एक्साइटमेंट है, एक स्माइल है, एक खुशी जिसे हम कहते हैं, कि वो देख के उसको कुछ नया फील हो रहा है, क्योंकि ड्रोन अभी भी हमारे लिए, इंडिया के लिए, एक रॉकेट साइंस जैसा है कि बच्चों को पतंग मिल जाए करके, तो वो एक चीज़ है। इसीलिए हमने ये ड्रोन वाले उसमें जब कैमरा अटैच होता है तो मैं खुद पर्सनली एक एक कस्टमर की फीलिंग्स, उनके एक्सप्रेशंस उसमें देखता हूँ और वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये लगता है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं करके। अभी तक देखा नहीं था ये चीज़। एक्चुअली मेरे को अर्जेंटली कहीं जाना था और है ना, मेरे को एकदम से क्लिक किया कि हाँ ड्रोन से कहीं डिलीवर्ड हो रहा है, तो मैंने जैसे ही देखा तो मैंने गूगल किया और मैंने जल्दी से ऑर्डर किया और मेरे को विद इन आवर ये जीन्स अवेलेबल हो गई। अब मैं सोच रही हूँ कि इसको और ट्राई करूँ जिससे मेरा टाइम भी यूटिलाइज हो जाए और मेरे को जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट और अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट मिल सके। अंकित बताते हैं कि निजी तौर पर ड्रोन उड़ाने के सरकार के कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। ड्रोन सिर्फ 100 मीटर की ही दूरी तय कर सकेगा और 100 मीटर ऊपर तक ही जा सकेगा। ड्रोन जिस एरिया में उड़ाया जाएगा उस एरिया से संबंधित थाने को सूचना देनी होगी। इस ड्रोन में 4 पंखे लगे हैं। इसका वजन लगभग 2.5 किलो है। इसमें एक कैमरा लगा है और 2 GPRS चिप भी लगी हैं। यह ड्रोन रिमोट से नियंत्रित किया जाता है। ड्रोन GPRS से डिलीवरी का पता ढूंढता है, तो कैमरा ड्रोन सही रास्ते पर है या नहीं इसकी जानकारी देता है। 2.5 kg का ड्रोन है जो एज पर लॉ उनके नॉर्म्स के अंदर आता है। इसके लिए हमें सिर्फ एक अपने लोकल जो भी थाना होगा जिस एरिया में हम डिलीवर कर रहे हैं वहाँ डिलीवरी करने के 10 मिनट पहले भी अगर हम एक एप्लीकेशन देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। और दूसरा, इसका बैटरी बैकअप है, ये 4 घंटे में चार्ज होता है। इसकी 2 बैटरीज होती हैं। 20 मिनट्स का इसका डिलीवरी टाइम होता है कि एक ड्रोन 20 मिनट्स इसको वर्किंग करेगा। ये इसकी स्ट्रिप है जिस हुक में हम जीन्स का पैकेट इसमें अटैच करते हैं जो कस्टमर ईजिली इसको निकाल लेता है। और इसके रिमोट के साथ हम इसको सारी चीज़ें चलाते हैं क्योंकि रिमोट के साथ मोबाइल और कैमरा सारी चीज़ अटैच हैं, GPS नेविगेशन से ये अटैच है, तो ये कहीं गुम नहीं हो सकता है, ये कहीं इधर उधर जाएगा तो हम इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। कस्टमर के साथ भी हमारा, जब वो इसको पिकअप ले रहे होते हैं तो हमारा एक डिलीवरी बॉय होता है कि बाई चांस, क्योंकि हर किसी को अभी ड्रोन की इतनी हैबिट नहीं है, इसका प्रेशर एयर का थोड़ा ज़्यादा होता है तो लोगों को थोड़ा शुरू में डर लग सकता है, जिसकी वजह से हमारा डिलीवरी बॉय उनके साथ होता है कि वो उसको निकाल के इजीली दे दे अगर वो खुद नहीं निकाल पाते हैं तो। वैसे जनरली सभी खुद वो कर लेते हैं तो दिक्कत नहीं आ रही है अभी तक।
अंकित यादव का दावा है कि कस्टमर अगर हमको ऑनलाइन हमारे ऐप पर कोई डिमांड करता है किसी भी प्रोडक्ट की, तो वो एक घंटे के अंदर उस सामान को उसके घर तक पहुंचा देते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगी वो ड्रोन, जिस ड्रोन से अंकित हर घर में डिलीवरी करते हैं। ये ड्रोन है और इस ड्रोन से डिलीवरी की जाती है। इस ड्रोन में कैमरा लगा हुआ है जिससे ये लोग देखते हैं कि वो ड्रोन सही जगह पर जा रहा है कि नहीं। ये ड्रोन चलता है इस रिमोट से, इस रिमोट के द्वारा इस ड्रोन को पूरा हैंडल किया जाता है। और रिमोट इसमें दो GPRS की चिप हैं, उन चिप से ये लोग देख पाते हैं कि ड्रोन सही जगह पहुंचकर डिलीवरी कर पा रहा है कि नहीं। खासियत इसकी ये है कि ये 100 मीटर तक ऊपर ले जा, चूँकि नियम भी है ऐसा कि 100 मीटर तक ही ये लोग उड़ा सकते हैं और 100 मीटर की रेंज में ही ये अपने ड्रोन की डिलीवरी दे सकते हैं। एक नियम इनके साथ ये भी जुड़ा हुआ है कि जहाँ भी ये डिलीवरी देते हैं और जहाँ पर अपने ड्रोन को फ्लाई कराते हैं वहाँ पर इनको लोकल जो थाने होते हैं वहाँ पर एक एप्लीकेशन देकर बताना पड़ता है कि हम यहाँ पर अपने ड्रोन को फ्लाई कराने वाले हैं। कैमरामैन तरुण यादव के साथ शेफाली गुप्ता, दखल न्यूज़ भोपाल। शराबी टीचर को स्कूल से भगाए जाने का ये वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। शिक्षा विभाग को इस शिक्षक के बारे में पहले भी कई शिकायतें मिली हैं। छतरपुर के गौरीहार ब्लॉक के सीपल शासकीय स्कूल में शराब पीकर स्कूल पहुंचने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने संज्ञान लिया है और जांच के आदेश दे दिए हैं। सीपल शासकीय स्कूल के टीचर प्यारे राजा सिंह का सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसे शराब पीकर आए टीचर को स्कूल के बच्चों ने शराबी कहकर स्कूल से खदेड़ दिया था। शराबी टीचर को बच्चों के खदेड़े जाने का वीडियो किसी बच्चे ने वायरल कर दिया था। वीडियो सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने पूरे मामले के जांच के आदेश दिए हैं। ये खड्डी संकुल में शीलप माध्यमिक शाला है, एक परिसर एक शाला वाला विद्यालय है और उसमें ये मामला मेरे संज्ञान में कल शाम को मिला है और VRC को और VO को संयुक्त रूप से प्रतिवेदन भेजने के लिए निर्देशित भी किया है। जैसे ही प्रतिवेदन प्राप्त होता है जो भी दोषी है, हाँ निश्चित रूप से अभी जो भी व्यक्ति है उसके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। शिक्षकों के शराब पीकर स्कूल में आने के कई मामले सामने आए हैं। अब देखना ये होगा कि शिक्षा विभाग कैसे इन शिक्षकों को सुधार पाता है। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। भारत के गणतंत्र दिवस की सभी भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वर्ष हमारा अच्छा संविधान के जो नियम है उसको हम सब नियम को पालन करें और देश हमारा उन्नति करे। दखल न्यूज के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की रेवावासी पाउडर की ओर से बहुत बहुत बधाई। पर्क चिन्ह की ओर से गणतंत्र दिवस की प्रदेश और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आइडल सैलून की ओर से गणतंत्र दिवस की सभी शहर एवं देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस राष्ट्रीय त्यौहार को सभी देशवासी बहुत उमंग और उत्साह से मनाएं। सबके साथ एक बार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइडल फैमिली सैलून की तरफ से सभी देशवासी और भोपाल वासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। भारत वर्ष के 70वें गणतंत्र दिवस की दखल न्यूज एवं समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को मंगलकारी शुभकामनाओं के साथ मैं अखिलेश जैन, प्रदेश सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भोपाल में मोबाइल लुटेरों की CCTV तस्वीरें सामने आई हैं। इन लुटेरों ने एक छात्रा से उसका मोबाइल फोन छीन लिया था। पुलिस इन लुटेरों की तलाश में है। भोपाल के रामानंद नगर निवासी छात्रा पल्लवी शर्मा से मोबाइल छीनने वाले लुटेरों के CCTV फुटेज सामने आए हैं। सुबह छात्र कॉलेज जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी, तभी दो बाइक सवार लुटेरे मोबाइल छीनकर फरार हो गए। अब CCTV फुटेज सामने आने पर माना जा रहा है कि लुटेरे जल्द ही पकड़े जाएंगे। छतरपुर के पास एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने से 8 बच्चे बीमार पड़ गए। स्कूल में इन बच्चों को खराब खाना परोसा गया था। इन बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
जहां इनका इलाज चल रहा है। छतरपुर के गढ़ी मलेहरा थाना के शामराज शासकीय स्कूल में मिड डे मील खाने से 8 बच्चे बीमार पड़ गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। बीमार बच्चों के परिजनों का आरोप है कि बच्चों ने मध्याह्न भोजन में कढ़ी चावल खाए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद जब बच्चे घर पहुंचे तो उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। बच्चों ने उल्टी करना शुरू कर दिया। तत्काल ही पीड़ित बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित सभी बच्चों की उम्र 6 से 9 साल के बीच है। बच्चों का इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है सभी बच्चों की हालत स्थिर बनी हुई है। ये श्यामदा स्कूल से बच्चे आए हुए हैं। इन बच्चों का कहना है कि दोपहर का मिड डे मील लेने के बाद लगातार इनको वोमिटिंग हो रही है और सारे बच्चे अभी स्थिर अवस्था में हैं। कोई भी बच्चे क्रिटिकल नहीं है, किसी की भी कंडीशन खराब नहीं है, सभी बच्चों का इलाज चल रहा है। खाने में कुछ हुआ रीवा के नवगत कलेक्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि जनता को शासन की योजनाओं के साथ समय पर न्याय मिले, यही उनकी प्राथमिकता है। जिले में विकास कार्य पूरी मुस्तैदी से किए जाएंगे। नए कलेक्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने मोहन सभागार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि रीवा जिले में तालाबों की सुरक्षा से लेकर शासकीय जमीनों को अतिक्रमण से बचाने, लंबित प्रकरणों को शीघ्र निपटाने के साथ ही सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन तेज गति से किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कई पेंडिंग मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए तहसीलदारों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिले के लोगों को समय पर सुविधा और शासन की योजनाओं के साथ समय पर न्याय मिले, यही उनकी प्राथमिकता है। सुधार होना चाहिए, तो मेरे अगर मैं नहीं रहूं तब भी वो सिस्टम में सुधार होना चाहिए। हम आज किसी को टारगेट दे दें कि 10 दिन में वो कर दे और 11वें दिन फिर वो बंद कर दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसके बारे में जो आपने कहा है, जैसे एक तो मैंने कोर्ट कैंप कंपलसरी किए हैं सभी को, तो इसका परिणाम निश्चित रूप से 3-4 महीने के बाद आपको दिखाई देना शुरू होगा। पहला दूसरा जो मेरा मानना है, यहाँ पे जितने लोग आते हैं सबसे ज्यादा आपके जिले में जो झगड़े हैं वो हैं सीमा विवाद के, जमीन के विवाद के, इसने हमारा कब्जा कर लिया, इसने हमारा सीमांकन नहीं किया। और उसमें बेसिक गलती जो मेरी समझ में आई है पिछले 15-20 दिन में गांव में घूम के, कि हमारा सीमांकन सही नहीं हो रहा है। हम गरीब से करते हैं, उसमें भी फील्ड बुक नहीं बनाते और तमाम सारी बातें। दूसरा मैं ये कर रहा हूँ कि ETS मशीन का सीमांकन कंपलसरी कर रहा हूँ, जल्दी पूरी तरह से बंद कर रहा हूँ। संत नगर में विभिन्न पोलिंग बूथों और स्कूलों में बच्चों को रूबेला और खसरे का टीका लगाया गया। इस टीकाकरण अभियान में बड़ी संख्या में लोगों ने बच्चों को टीके लगवाए। सरकार द्वारा चलाए गए खसरा और रूबेला टीकाकरण अभियान के अंतर्गत विमल विद्या मंदिर, DKV कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में सैकड़ों बच्चों को खसरे और रूबेला का टीकाकरण किया गया। यह टीकाकरण स्वास्थ्य भारत अभियान के तहत किया गया है। पूरे देश प्रदेश में हमारा IP में पूरा ये रूबेला खसरा रूबेला अभियान चलाया जा रहा है। अभी सारे स्कूलों में चलाया जा रहा है, उसके बाद सारी आंगनवाड़ियों में लगाया जा रहा है। 9 माह से 15 साल तक के बच्चे को सभी को ये टीका लगाया जा रहा है, इस टीके से कोई नुकसान नहीं होता। गणतंत्र दिवस के मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 251 फीट लंबे तिरंगे के साथ यात्रा निकाली। देश प्रेम के जज्बे से भरी इस यात्रा में बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। ABVP की तिरंगा यात्रा मोटे के महावीर मंदिर से आरंभ होकर गर्ल्स कॉलेज में जाकर समाप्त हुई। यात्रा के दौरान ABVP के कार्यकर्ता DJ की धुन पर आजादी के गानों पर जमकर डांस कर रहे थे। कुछ कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा लिए राष्ट्र प्रेम की भावना का इजहार कर रहे थे। ये तिरंगा यात्रा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर शहीदों को और तिरंगे की आन वान शान को के गौरव को बढ़ाने के लिए मोटे के महावीर से तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इस तिरंगा यात्रा में सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता नाचते झूमते हुए मोटे के महावीर मंदिर से भारत माता चौक तक आए और सभी ने इस शोभा यात्रा को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और सभी ने भारत माता के वीर सपूतों को जो कि शहीद हो चुके हैं और जो बॉर्डर पर आज इतनी ठंड में -15 डिग्री में भी अपनी जान को जान की परवाह ना ये अपनी भारत की रक्षा करते हैं, उन सभी को नमन करते हुए ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा नगर में शहीदों के सम्मान को लेकर और आज जो बॉर्डर पर हो रहे हमलों के खिलाफ जो हमारे जितने भी सैनिक हैं उनके सम्मान में आज ये तिरंगा यात्रा छतरपुर में निकाली गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।